मां काली, हम तांत्रिक ध्रुवा साहब। आज बात करेंगे षठ कर्मों में एक जो कर्म आता है मारण कर्म के बारे में, मारण प्रयोग के बारे में। आज मारण हांडी के बारे में बात करेंगे। यह विद्या बहुत ही घातक उसको बचाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि हांडी इतने प्रभाव से जाती है। क्योंकि हांडी में जो शक्ति बिठाई होती है, जो हांडी जब बेचते हैं ना, तो हमेशा बड़ी शक्ति को बिठाया जाता है, तो जो वो शक्ति है वो दुगनी रफ्तार से घातक हो जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा एक, यानी कि जो चीज़ पड़ी पड़ी इतनी जहर बन जाए, यानी कि कोई भी चीज़ पड़ी पड़ी जैसे जहर बन जाती है ना, कोई कोई भी वस्तु खाने लायक हो तो वो ज़्यादा देर तक पड़ी रहे और उसमें उतनी ही वो घातक हो जाती है। तो जब मार होती है ना, जो हांडी हांडी द्वारा जब शक्ति भेजी जाती है, तो उसकी मार जो होती है वो तिगनी चुगनी हो जाती है, इसलिए हांडी का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें हमारे चैनल पर बताई जाती हैं, ये कोई नहीं बताता है, ये बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें हैं। यानी कि हांडी के बारे में लोग पूछते हैं, लेकिन हांडी का विज्ञान क्या है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है कि आखिर हांडी क्यों चलाई जाती है, कोई और सीधी क्यों नहीं भेजी जाती। तो इसका कारण यही है कि 3-4 गुना ज़्यादा घातक हो जाती है कोई भी चीज़। अब बारूद है, उसको आप बम में बारूद भरा होता है तो वो कितनी तेजी से फूटता है और वो और भी विध्वंसक हो जाता है। और सीधे आप बारूद को जमीन पर रख के आग लगाएंगे तो उतना घातक नहीं होगा जितना कि उसको बंद करके उसको आग दी जाएगी, तो जैसे वो फटता है वैसे ही उसकी जान जाती है। और दूसरे प्रकार की हांडी कैसे होती है, वो ना तो आवाज लगाएगी ना ही वो किसी के इर्द गिर्द घूमेगी, वो सीधा जाके
वहीं फटेगी और व्यक्ति के ब्लड आएगा, साथ के साथ में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इन चीज़ों में जो तुरंत का तुरंत मारण प्रयोग हो जाता है, जैसे पिशाच, कोई बड़े पिशाच पिशाचिनी दोनों शक्तियों को इकट्ठा भेजा जाता है। इस तरीके से जो है पहले उनको विधि विधान से बकरे की बलि दी जाती है, बड़ी बलि देकर फिर भेजा जाता है। जब कोई भी तांत्रिक हांडी उड़ाता है तो उस जगह का वातावरण बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक वातावरण हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई देती हैं, यानी कि हवा रूपी में जो हवा में टहलती हुई दिखाई देती हैं, और काफ़ी भयानक वातावरण हो जाता है। और इसमें गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं, जो तुरंत का तुरंत मारण करती है, जो आवाज़ भी नहीं देती है, ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। इसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन छोड़ने के बाद व्यक्ति को तो बिल्कुल ही बचाया नहीं जा सकता है। इस क्रिया को तो अगर तांत्रिक पर भी कर दिया जाए तो तांत्रिक भी वहीं ख़त्म हो जाएगा। कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, इसके घात से वो भी नहीं बच सकता। तो इसमें हांडी में कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं, ये कुछ वस्तुएं जो है मंत्रों द्वारा करके कुछ रखी जाती हैं। फिर ये जो हांडी को हवा मार्ग से भेजा जाता है, और बहुत ही भयानक मारण प्रयोग है, यानी कि जो दूसरी शक्तियां होती हैं, जो खाली शक्ति भेज देते हैं कुछ लोग, यानी कि मारण प्रयोग के लिए, वो कुछ हफ्ता ले लेती हैं, 10 दिन 15-20 दिन ले लेती हैं, लेकिन ये तुरंत के तुरंत उसी समय ही रिजल्ट दे देता है, उसी समय ही मार देता है। और कुछ ऐसी और भी शक्तियां हैं जिनको अगर खाली ही भेजा जाए, सीधा ही भेजा जाए, उच्च स्तर की शक्तियां, वो तकरीबन जो है आधे घंटे तक ख़त्म करके चली जाती हैं, वो ज़्यादा समय व्यक्ति को नहीं देती हैं। और एक और आपको बता दें कि कुछ जो साधक जुड़े हुए हैं, कि जब मारण प्रयोग नॉर्मली आप कभी तांत्रिक पर करते हैं, यानी कि तांत्रिक करते हैं, लेकिन इसको अगर मारण हांडी का अगर प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत ही उच्च कोटि का जो आवाज़ मार के हांडी फटती है, अगर उसको आपने किसी तांत्रिक के वहाँ भेज दिया और वह अच्छा एक उच्च कोटि का तांत्रिक है, अगर उसने उसको वापस कर दिया तो वह हांडी आप पर आके फटेगी, या आपके किसी आपका कोई भी परिवार का सदस्य है उस पर फट सकती है। तो ये हांडी जो है ये ध्यान रखकर चलाई जाती है कि सामने वाला कोई नॉर्मल है या कोई तांत्रिक है। तो ये तब चलाई जाती है जब किसी को बिल्कुल भी समय ना देना हो। और इस विद्या को बहुत सारे गुरुओं ने आगे शिष्यों तक नहीं पहुंचाया, नहीं दिया, इसकी घातक प्रणाम के कारण। और कुछ गुरु जो है अच्छे जो शिष्य हैं, जिन जो भरोसे लायक हैं, उनको आगे से आगे देते जा रहे हैं, यानी कि यह विद्या मिल रही है। तो एक और इसमें आपको जानकारी दे दें कि गुरु ऐसी चीज़ें इसलिए नहीं सिखाता कि आप इसको सीखकर किसी का मारण प्रयोग करो, किसी का गलत करो। देखिए, गुरु जो है इसलिए सिखाता है कि आप जो है इनको सीखो और अपने पास रखो, और जो आगे आने वाले शिष्य हैं उनको दो आप। तो ये शक्ति होती है जैसे आप हथियार रखते हो घर में। कोई भी जो सुन रहे हैं ये जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों के पास घर में हथियार होता है, उसको वो चलाते नहीं। ऐसा नहीं कि वो घर में हथियार रखा है तो वो किसी को मारते हैं या किसी को डराने के लिए रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि कोई ऐसा समय आ जाए तो उसको जो है उस हथियार को उपयोग किया जा सके।
अपनी सेफ्टी के लिए उस हथियार को रखा जाता है। ऐसे ही इन विद्याओं को तांत्रिक अपनी सेफ्टी और लोगों की भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए इन ऐसी विद्या जो है ग्रहण करता है। और हम भी अपने साधकों को ऐसी विद्या अवश्य सिखाएंगे, लेकिन तभी उनको आज्ञा देंगे प्रयोग करने की जब अति आवश्यकता हो, और कोई ऐसा कार्य हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो सामने वाला जो आपका बुरा करने पे उतारू हो गया है, जहाँ आप पर आपकी जान पर बनाई है, तो यह आप जो है प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि अगर हमारे साधक ऐसी विद्याएं जानते होंगे तो जल्द उनको भी हाथ नहीं कोई डाल सकता। और हम अपने साधक को हांडी को कैसे वाप अगर आप पर आती है तो हांडी को कैसे वापस भेजा जाता है, इसकी भी विद्या साथ में सिखाते हैं। तो जो भी साधक इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस विज्ञान को समझे, तंत्र एक विज्ञान की तरह है। तो जिस भी साधक को दीक्षा लेनी है वह ले सकता है और इस विद्या को सीख सकता है, लेकिन यह विद्या वही सीखे जिसने भला करना है। बुरे करने वाले को यह विद्या हम नहीं देंगे, क्योंकि यह गलत हाथों में अगर जाएगी तो कल को नुकसान होगा और आप भी पाप के भागीदार बन सकते हो। इसमें आपको भी खतरा हो सकता है अगर आप गुरु की आज्ञा के बिना करते हो तो। चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ काली।